Hello, good morning students. What are you doing? Okay, everyone busy with their study. Okay, तो बच्चों देखो, अब हम हिंदी का क्या देखने वाले हैं? पिछले वाले सेशन में हमने क्या देखा है? देखो, अब हम हिंदी के वर्णमाला में से व्यंजन देख रहे हैं, ठीक है? तो अब हम ट वर्ग के व्यंजन देखने वाले हैं। तो पहले हमने ट वर्ग का ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ये दो व्यंजन देखने वाले हैं। तो आज हम हिंदी का अगला व्यंजन देखने वाले हैं। ठ से ठप्पा के बाद अगला व्यंजन कौन सा आता है? यस, ड से डमरू, ड से डमरू। तो आज हम ड से डमरू दो लाइन में कैसे लिखते हैं ये ब्लैक बोर्ड पे देखने वाले हैं। देखो बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड है, तो आज हम इस ब्लैक बोर्ड पे ये जो दो लाइन दिए वाले हैं, इस दो लाइन में ड से डमरू कैसे निकालते ये देखने वाले हैं। कैसे निकालते, उसके लिए हम स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और अंग्रेजी अल्फाबेट एस का यूज करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन लेनी, बाद में स्टैंडिंग लाइन लेनी, उसके बाद आपको इंग्लिश अल्फाबेट एस निकालना है। इस तरह आपको डमरू का कंप्लीट करना है। और एक बार देखो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इंग्लिश अल्फाबेट एस, डमरू का रेडी हो गया। आपको भी क्या करना है, ऐसे ही स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इंग्लिश अल्फाबेट एस निकाल के डमरू का लिखना है। और उसके बाद आपका जो बुक है उस पे ड डमरू का पूरा प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद आपके नोटबुक पे भी अच्छी तरह से आपको पहले डेट डालनी है, और डेट डाल के आपको ये क्लास वर्क, होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों?